22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए कभी मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण पत्र आया है। प्राण प्रतिष्ठा और नई और बदली अयोध्या पर क्या कहते हैं इकबाल, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी तनिष्क ने। आपको कब आया ये इनविटेशन? ये कार्ड हमको जो है करीब 10-15 दिन हो रहा है। 10-15 दिन पहले मिला आपको। तो इकबाल जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप उस केस से जुड़े हुए थे, उसके साथ साथ आप एक अयोध्या के निवासी भी हैं, तो अयोध्या के अंदर आप क्या बदलाव देख रहे हैं, सबसे पहले तो वो बताइए, क्या कुछ बदला है, कैसे बदला है? देखिए, अयोध्या में तो बदलाव बहुत कुछ हो गया है। अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया है। रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा बन गया है। रोडें बनाई गई, पार्क बने, कुंड बने, सड़कें बनाई गई, लोगों के मकान भी जो है बने, रंगे गए, पोते गए, लाइट भी लगाई गई, सारी चीज़ों के लिए का विकास अयोध्या में हुआ। अयोध्यावासी बहुत खुश हैं। अयोध्या बिल्कुल सजी हुई है, बिल्कुल दिवाली के तरीके मनाया जा रहा है। सरकार की बहुत जो है बहुत देन है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है कि आज अयोध्या के लोग बहुत ही खुशहाल हैं। जो भी कमी रही वो माननीय योगी जी की सरकार में अयोध्या वालों के लिए पूरी कर दी गई। तो आपको निमंत्रण मिला है, आप जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये 22 तारीख को जो है हमको भी निमंत्रण मिला है, सब जो है हम भी जाएंगे। अभी कोई टाइम कंफर्म नहीं है। टाइम कंफर्म नहीं है अभी। आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं इकबाल जी, तो एक विकास की गंगा बह रही है यहाँ के, लेकिन नौजवानों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत कठिन समय देखा है, एक बहुत टर्मोइल का समय देखा है ना, सोई हुई नगरी बोली जाती थी अयोध्या, तो अब फ्यूचर कैसा बोल सकते हैं अयोध्या का, मतलब नौजवानों के लिए? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या जो है हमेशा खुशहाल रही। अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या का हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों लोगों में खुशहाल पहले भी थे, आज भी थे। अयोध्या कभी गर्म नहीं रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहा। अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब भी है। अयोध्या में जो कुछ भी है ये सब बहुत बेहतर पहले भी रहा, आज भी है। अब आगे देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। उसमें की भविष्यवाणी तो हम नहीं करते कर सकते न जानते हैं उसके बारे में, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अयोध्या का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए अयोध्या बहुत शांत रही और बहुत अच्छे माहौल में रहे, लोग रहे, जो कुछ भी रहा सब यहाँ बेहतर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल जी हमसे बात करने।